छात्रों, भारत में आर्थिक वातावरण अध्याय के अंतर्गत हम जानते हैं कि विमुद्रीकरण की प्रक्रिया क्या है, विमुद्रीकरण से क्या आशय है। सामान्य तौर पर विमुद्रीकरण से आशय जो मुद्रा चलन में थी उसके स्थान पर नई मुद्रा का चलन। इसके अंतर्गत देश की सरकार अपने देश की मुद्रा को वैधानिक रूप से प्रतिबंधित कर देती है, अर्थात उसको बंद कर देती है, जिसका मूल्य शून्य हो जाता है। अब यदि इस प्रकार की मुद्रा से यदि कोई किसी प्रकार का लेन देन करता है तो वो अपराध माना जाता है। मुद्रा के प्रतिबंधित होने के उपरांत एक निश्चित अवधि के अंदर लोग प्रतिबंधित किए नोटों को बैंकों से उसके बदले उतने मूल्य के नए प्रचलित नोट प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ना करने पर वे कागज के टुकड़े के समान हो जाते हैं। भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को मध्य रात्रि से 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया था, अर्थात ये नोट जो थे वो विधिग्राह्य मुद्रा नहीं रहे। इनके स्थान पर सरकार ने जो 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए थे, इनके स्थान पर सरकार ने 2000 के नई करेंसी 10 नवंबर 2016 से तथा 500 के नए नोट 13 नवंबर 2016 से जारी किए। सरकार द्वारा इस तरह की जो कार्यवाही की गई उसके जो मुख्य उद्देश्य थे वो ये थे कि नंबर एक तो आप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। तो जिस तरह से जाली करेंसी पर भ्रष्टाचार पर अंकुश था उसको इससे प्रतिबंधित हुआ। दूसरा, विदेशों से लाई गई जो जाली करेंसी थी उसको रोकना। तीसरा, आतंकी गतिविधियों के लिए उच्च मूल्य वर्ग के प्रयोग पर अंकुश लगाना। साथ ही अर्थव्यवस्था में जो समानांतर रूप से ब्लैक मनी चल रही थी, काला धन चल रहा था, उसको ब्रेक करना। साथ ही कर चोरी के लिए किए जाने वाले नगद लेन देन को समाप्त करना और इसके साथ नशे के कारोबार, भूमाफिया तथा तस्करी में संलग्न लोगों के अवैध लेन देन को समाप्त करने के उद्देश्य से जो है 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। यहां पर हम देखेंगे कि जो लाभ सरकार को प्राप्त हुए, सबसे पहले तो यह हुआ कि काला धन पर प्रहार, जो ब्लैक मनी थी वो निकल के बाहर आई। दूसरा, आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद और आपराधिक गतिविधियों पर चोट हुई। तीसरा, कर संग्रह में वृद्धि हुई और सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त होना शुरू हुआ। लोक कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय हुआ और जाली नोटों को चलन से बाहर होना पड़ा। इस प्रकार से विमुद्रीकरण जहां कर संग्रह को बढ़ाती है, भ्रष्टाचार में कमी लाती है, काले धन को खत्म करता है, बैंक जमा को बढ़ाता है, वहीं इसके जो है कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी सामने हमें देखने में आते हैं, जिनमें है सकल घरेलू उत्पाद को ये धीमा करता है, रियल एस्टेट की कीमत में कमी करता है, कृषि आय में गिरावट लाता है, किंतु ये तात्कालिक प्रभाव है। तो दीर्घकालिक प्रभाव के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो विमुद्रीकरण के जो है दीर्घकालिक प्रभाव अर्थव्यवस्था को एक निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करता है। अब हम देखते हैं भारत में आर्थिक वातावरण में सुधार हेतु नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा अपनाए गए उनके क्या प्रभाव रहे। तो भारत में नई आर्थिक नीति अर्थात उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाए जाने के कारण परिणाम स्वरूप देश के आर्थिक वातावरण में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जिससे आर्थिक बाधाएं हटने लगी। तत्पश्चात समय समय पर आर्थिक सुधार के अंतर्गत नई औद्योगिक नीति लागू की गई, जिसमें आधुनिकीकरण, आधारभूत उद्योगों की स्थापना तथा उच्च तकनीकी पर विशेष ध्यान दिया गया। नई औद्योगिक नीति की जो विशेषताएं थी वो हम यहां पर देखते हैं, जो कि निम्न थी। इस नीति में प्रमुख 18 उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया था। 15 अप्रैल 1993 को इन उद्योगों की संख्या 18 से घटाकर 15 कर दी गई और वर्तमान में ये संख्या 5 है, जिनमें अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, तंबाकू युक्त उत्पाद, सभी प्रकार के रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोट, खतरनाक रसायन आदि। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को 17 से घटाकर 6 कर दी गई। वर्तमान में सिर्फ 2 श्रेणी के उद्योग आरक्षित हैं, जिनमें परमाणु ऊर्जा एवं रेलवे वर्तमान में आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र है। दूसरा,
एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत पूंजी सीमा समाप्त कर दी गई, अर्थात जो एकाधिकार वाले व्यापार थे उनमें और जो ऐसे कुछ प्रतिबंधात्मक व्यापार थे उनके लिए जो पूंजी लिमिट थी उसको समाप्त किया गया। फिर कई उद्योगों को औद्योगिक पंजीकरण से मुक्त कर दिया गया। फेरा, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम में संशोधन किया गया जिसमें भारतीय कंपनी को विदेशी में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसके लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना की गई। तकनीकी आयात में छूट, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी तकनीकी आयात करने की अनुमति प्रदान की जाने लगी। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभाव को कम करना, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी पूंजी को कम करना, इसके लिए भी विनिवेश को अपनाया जा रहा है। और उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को छूट, इसके अंतर्गत 34 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को 51% विदेशी पूंजी बिना सरकार की अनुमति के छूट प्रदान की गई। तो ये 24 जुलाई 1991 नई औद्योगिक नीति के संबंध में जो सरकार के द्वारा कुछ नए सुधार कार्यक्रम आयोजित किए गए उसकी ये प्रमुख बिंदु थे। नई व्यापारिक नीति के अंतर्गत हम देखेंगे, नई व्यापार नीति में सरकार द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक नई आयात निर्यात नीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य व्यापार में न्यूनतम प्रतिबंध, अधिक स्वतंत्रता एवं कम से कम प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करना रहा। उदारीकरण विनिमय दर प्रबंध प्रणाली प्रारंभ की गई व सीमा शुल्क की संरचना में परिवर्तन कर कृषि उत्पादों के लिए सीमा शुल्क की उच्चतम सीमा को घटाकर 10% कर दिया गया। साथ ही निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना भी की गई। तो यहाँ पर जो आयात निर्यात नीति की घोषणा की गई थी इस पर जो है व्यापार उद्देश्य जो यहाँ जो था व्यापार में अधिक से न्यूनतम से न्यूनतम प्रतिबंध लगाना, साथ ही अधिक स्वतंत्रता देना, प्रशासनिक नियंत्रण में को निश्चित करना, इस प्रकार से यहाँ पर जो है नई व्यापार नीति में कुछ ये सुधार किए गए थे। वहीं कीमत नीति की बात करें तो आर्थिक सुधार के अंतर्गत अनुदानों को कम करके कीमत ढांचे को अधिक लोशील बनाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु पेट्रोलियम पदार्थों, रसोई गैस, उर्वरकों आदि की कीमत में वृद्धि का निर्णय लिया गया। नई नीति के तहत सार्वजनिक उद्यमों को बाजार शक्तियों के अनुसार अपनी वस्तुओं की कीमत निर्धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो ये हमारा जो अध्याय था भारत में आर्थिक पर्यावरण, साथ ही जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम व्यापार उद्योग के संबंध में अपनाए गए उसके संबंध में यहाँ पर हमने अध्ययन किया। और अब यहाँ पर हम कुछ प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक वातावरण से आशय एवं नई आर्थिक नीति की आवश्यकता के बिंदु समझाइए। दूसरा प्रश्न है, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को समझाइए और सभी की विशेषताओं को बताइए। तीसरा, वैश्वीकरण के उद्देश्यों को समझाइए। चौथा, विमुद्रीकरण से आशय एवं उसके लाभों को समझाइए। प्रश्न पांच, विमुद्रीकरण के उद्देश्यों को समझाइए। नंबर छह, आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत नई औद्योगिक नीति को समझाइए और साथ ही नई व्यापार नीति एवं कीमत नीति को भी समझाइए।